आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ फैमिली न्यूज चैनल, मैं हूं आपके साथ महक। आइए नजर डालते हैं न्यूज मंदसौर की बड़ी खबरों पर। नीमच में अज्ञात कारणों के चलते 8 माह की गर्भवती महिला ने की खुदकुशी। परिजनों ने ससुराल पक्ष पर लगाए गंभीर आरोप, पुलिस जुटी जांच में। नीमच में मुख्य नगरपालिका अधिकारी ने जारी किए बेतु के आदेश। भय में जी रही बंगला बगीचा क्षेत्र की जनता, आदेश वापसी की मांग को लेकर मंगलवार को सौंपा जाएगा ज्ञापन। मंदसौर जिले के नारायणगढ़ नगर में बस स्टैंड स्थित एक मकान में परिवार को बंधक बनाकर बदमाशों ने चोरी की वारदात को दिया अंजाम। नकदी सहित जेवरात पर किया हाथ साफ, नगरवासियों में भय का माहौल, पुलिस जुटी जांच में। नीमच में गायत्री परिवार द्वारा हजारों घरों में एक साथ एक समय पर ग्रहे गहे गायत्री यज्ञ और उपासना का किया गया आयोजन, कई गाँवों से लोगों ने लिया हिस्सा। नीमच जिले के शासकीय महाविद्यालय जीरन के प्रभारी प्राचार्य पर एससी एसटी एक्ट और अन्य धाराओं में कार्रवाई की उठी मांग। अधीनस्थ स्टाफ ने भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा के साथ सौंपा ज्ञापन, लगाए प्रताड़ना के आरोप। नीमच में ड्रेनेज निर्माण को लेकर नगरपालिका ने हटाया अतिक्रमण, मौके पर बनी विवाद की स्थिति, अधिकारियों ने को सुनाई खरी खोटी, पुलिस ने संभाला मोर्चा। मंदसौर जिले के नहारगढ़ प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर राष्ट्रीय डेंगू दिवस पर कार्यशाला का किया गया आयोजन। नहारगढ़ सरपंच ने डेंगू जागरूकता रथ को दिखाई हरी झंडी। पूर्व केंद्रीय मंत्री और पूर्व प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अरुण यादव अल्प प्रवास पर पहुंचे नीमच, मीडिया से हुए रूबरू, बीजेपी पर साधा निशाना। अब जानते हैं खबरें विस्तार से।